हेलो गाइस, मैं आपका अपना शाहरुख हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट, और ये पीछे भालू तो आज जा रहे हैं हम दिल्ली। पहले तो मैं जा रहा हूँ अकेले, बाद में बुलाऊंगा हमारा कि भालू या देख के भीड़ लग जा हमारे यहाँ, मैं बाद में बुलाऊंगा, है ना भाई। अरे यार छपक लिए भी बाद में बुलाऊंगा, मैं जा रहा हूँ अकेले फिलहाल मेट्रो तक। पहले बस पकड़ेंगे, फिर मेट्रो पकड़ेंगे, फिर जा पहुँचेंगे दिल्ली। चला भाई? हाँ जी, चल तो सही। आप जाओ, हम तो टेम कर जाए वहाँ पे। तो एक काम तक आना नहीं, मेट्रो ले जा सा रही। ये गौरव की दुकान, पाटा वालों की मशहूर चिकन बिरयानी। जाना था उठो बस से, तो हम अड्डे पे खड़े थे। अड्डे पे हमको हमारे चाचा जी मिल गए, और ये मुझे अपनी कार में बैठा के मुझको रेलवे मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करेंगे बल्लमगढ़, और वहाँ पे हम फिर वहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे। तो लो, ये भी बल्लमगढ़ मेट्रो स्टेशन आ गया। ये देखिए बल्लमगढ़ मेट्रो स्टेशन से अब हम बैठ के जाएंगे जामा मस्जिद, फिर वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा सब चीज़, रमज़ान कैसे खुलता है, नमाज कैसे पढ़ते हैं, सब चीज़ दिखाऊंगा। तो हम टिकट नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास स्मार्ट कार्ड है, हम अपने उस स्मार्ट कार्ड को यूज़ करेंगे। लो जी, स्मार्ट कार्ड लगा दिया, और स्मार्ट कार्ड में तो हमारे बैलेंस ही नहीं, डिक्लाइन हो गया, इसमें कराते हैं रिचार्ज। हमने रिचार्ज करा लिया है, और रिचार्ज करा के हम ऊपर आ गए हैं। ऊपर आके अब कर रहे हैं मेट्रो का वेट। लीजिए, मेट्रो भी सामने आ ही गई है। अब फाइनली इसमें हमको सीट मिल जाए तो मज़ा आ जाए, मेट्रो में बैठे बैठे जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग सफ़र है, मज़ा नहीं आता मेट्रो में। तब तक सीट ना मिले तब तक बैठने सफ़र करने का मज़ा नहीं आता। लो जी, मेट्रो के द्वार खुल गए हैं और हम अपनी सीट सर्च कर रहे हैं। लीजिए, सीट भी फाइनली मिली गई है सीट मुझे। अब आराम से बैठ के पूरी मेट्रो का सफर का मजा लेंगे, और मिलते हैं जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन। लो गाइस, आ गया जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन। अब यहां से उतर के हम निकलेंगे गेट से बाहर और करेंगे जामा मस्जिद की सैर। बाहर आने के बाद यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, रमजान में, रमजान मुबारक के टाइम यहाँ पे काफी भीड़ होती है। देखिए वो दिख रही सामने जामा मस्जिद, बहुत ही प्यारा मतलब व्यू है यहाँ पे। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। आजकल भैया दिल्ली में जामा मस्जिद के पास हबीबी आ गए हैं। ये सीधे वहां से आए, दुबई से, सऊदी अरब से, और दुबई से आए हबीबी शरबत बेचने के लिए, स्पेशल दिल्ली आए हैं। इन्होंने आजकल यहाँ पे ट्रेंड बना रखा है, यहाँ पे शरबत वालों ने सब हबीबी का लुक लेके अपना शरबत बेचते हैं। मोहब्बत है शरबत, मोहब्बत को बढ़ावा दे रहे हैं, मोहब्बत है शरबत से ही। और यहाँ पे जामा मस्जिद के सामने लगे हुए हैं ड्राई फ्रूट वगैरह, और ये खजूर वगैरह, बहुत वैरायटी के खजूर वगैरह होते हैं, अच्छे अच्छे लजीज खजूर होते हैं। कभी आओ तो ट्राई करना, बहुत अच्छे अच्छे खजूर मिलते हैं और रीजनेबल प्राइस में। लो तो गाइस, फाइनली हम जामा मस्जिद गेट नंबर एक पे आ गए हैं, और अब अंदर चलते हैं जामा मस्जिद में। फिलहाल अभी 6:10 का कुछ नज़ारा है, तो इस वजह से देखिए ये नज़ारा यहाँ पे जामा मस्जिद में, क्या क्राउड है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये सब लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं रमज़ान खोलने के लिए। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग बाग आते हैं यहाँ पर रमज़ान खोलने के लिए। ये सब यहाँ पे अपने सॉक्स शूज़ वगैरह कैरी कर रहे हैं, क्यों हम नीचे इस पे फर्श पे चल नहीं सकते शूज पहन के, तो इसलिए ये सब अपने हाथों में अपने शूज़ों को कैरी कर रहे हैं, ताकि ये जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा खोलते हैं, वहाँ पे गंदे संदे शूज ना रखे जाएं, इसलिए। तो अब चलते हैं गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर सब चीज़ें। देखिए सब अब आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि रोज़े का टाइम होने वाला है, तो दस्तरखान लगा के आराम से बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। रोज़े का टाइम होगा तो रोज़ा खोलेंगे, फिर दुआ करेंगे, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह से सबके लिए दुआ करेंगे, सब ऑल इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए दुआ करेंगे। ये दस्तरखान कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे बहुत कई बड़े बड़े लोग हैं जो रोज़ा खुलवाते हैं, रमज़ान खुलवाते हैं, मतलब अपनी तरफ से खुशी से अपने तरफ से डोनेशन देते हैं, एक तरीके से खूब खाओ खूब पियो,
आराम से रमजान खोलो, आराम से मस्त इंजॉय करो, मस्त नमाज पढ़ो, दुआ करो अल्लाह से जितनी हो सके उतनी दुआ करो। ये जामा मस्जिद का अंदर का नज़ारा है, फ्रंट रो का। मैंने फ्रंट रो में ही नमाज पढ़नी है और यहीं पे अदा करेंगे। तो गाइस मगरिब की नमाज हमने अदा कर ली है और मगरिब की नमाज के बाद नज़ारा कुछ ऐसा है। नमाज की वीडियो नहीं बना सकता था क्योंकि अलाउड नहीं है, अलाउड भी नहीं है, और मैं बना भी नहीं सकता है, नमाज पढ़ सकता हूँ या वीडियो बना सकता हूँ। ये 8 बजे का नज़ारा है रात का, देखिए जामा मस्जिद कुछ इस तरीके से दिखती है। रात बहुत हो चुकी है यहाँ पे, मतलब रात में अभी लेडीज़ अनाल अलाउड है रमज़ान मगरिब के टाइम तक। अभी मगरिब के टाइम के बाद सब लेडीज़ों को बाहर कर देंगे क्योंकि लेडीज़ अलाउड नहीं है। ये क्राउड है, देखिए गेट नंबर 1 के सामने गली है ये, द मीनार कैफ़े। इस कैफ़े पर ऊपर चाय पियो, कॉफ़ी पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, कुछ भी पियो, और बहुत अच्छा व्यू जामा मस्जिद का लो। फुल्ली भीड़ है, पाम रखने के लिए जगह नहीं है, फुल क्राउड है। हर बंदा अपने घर से निकला हुआ है नमाज़ के लिए, रोज़े के लिए। तो गाइस अब हमने ईशा की नमाज़ अदा करी है, ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद हमने तरावियाँ पढ़नी है। तरावियाँ पढ़ने के बाद अब मेरे छोटा भाई आने वाला है, साहिल आने वाला है। वो कार से आ रहे थे, मैं मेट्रो से आया था क्योंकि मुझे यहाँ पे पहले नमाज़ अदा करनी थी, आके रोज़ा खोलना था, रमज़ान खोलना था। तो गाइस अब वो आगे हैं और नीचे हैं और मैं उनको आपको दिखाता हूँ। मेरा छोटा भाई है, मेरा साहिल है और मेरे दो जीजा जी हैं, वो भी यहाँ घूमने के लिए आए हैं, शॉपिंग करने के लिए आए हैं। ये देखिए सामने आपका अपना छोटा भौजी भालू, और उसके बराबर में साहिल, ये मेरे जीजा जी हैं और वो बड़े जीजा जी हैं साहिल के पीछे जो है। तो हम इनके साथ अब घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे, इंजॉय करेंगे। और अब ब्लॉग में बने रहिए और आप मैं को मैं दिखाता हूँ कि कैसा क्राउड होता है। बहुत अच्छा क्राउड है जामा मस्जिद में। रमजान मुबारक के मौके पे जाना चाहिए। ये देखिए सब हबीबी भी बने हुए हैं, सरबत वाला देखिए, मोहब्बत सरबत वाला देखिए, हबीबी भी बना हुआ है। औरों को सरबत पिलाते हैं, खुद पानी पीते हैं, ये हबीबी भी बने हुए हैं। यहाँ पे एक से एक अच्छा खाना, एक से एक अच्छे ड्रेस, सब चीज मिलती है यहाँ पे। तो गाइज हम भी मिलते हैं किसी हबीबी से, हम भी उनसे मोहब्बत शरबत पीते हैं, देखते हैं क्या इनके मोहब्बत शरबत में। वैसे इनसे अच्छा सर मोहब्बत शरबत तो मैं घर पे खुद बना लेता हूँ, बहुत मस्त शरबत बनाता हूँ मैं खुद, अपने हाथ से पीने का अलग ही मज़ा है, बना के पीने का बहुत अच्छा टेस्ट बना आता है मेरे हाथ से, तो मुझे तो अच्छा लगता है, बाकी घर में भी सबको अच्छा लगता है। ये देखिए हबीबी सबको ऐसे ही पहनाते हैं, गोल्ड पहन रखा है, दुनिया भर का ट्रेंड बना लिया यहाँ पे हबीबियों ने। इन्होंने सीधा दुबई से आए हैं पे ये मोहब्बत शरबत बांटने के लिए। बांट तो क्या रहे हैं, बस लोग बागों की जेब ही काट रहे हैं। अब मोहब्बत शरबत के बाद हम एक मस्जिद के बाजू खाना देखेंगे। बाजू खाने में देखिए कितनी सारी मछलियां हैं, बड़ी छोटी सब मछलियां हैं। यहाँ पे हम बाजू बनाते हैं, बाजू मतलब नवाज से पहले जो अपना पाक साफ होके बाजू बनाते हैं, वो बाजू बनाते हैं। उसके बाद हम चिकन खाएंगे, कबाब खाएंगे। ज़्यादा कुछ मैं आपको दिखा नहीं सकता, खाने की वीडियो में बनाता अच्छा नहीं लगता, मैं बनाता नहीं हूँ। यहाँ से हमने लिए कबाब और चिकन खाया है हमने यहाँ पे, तो हमने घर के लिए भी यहाँ से कबाब पैक कराए हैं। ये है एक, इस चिकन का नाम पड़ता है, क्या नाम बोला था इस चिकन का उन्होंने, बोला था पता नहीं कोई अजीब सा नाम बोला था, चिकन टिक्का है, चिकन मतलब बहुत चिकन की वेराइटीज़ हैं, और चिकन कबाब हैं, बहुत अच्छे अच्छे कबाब बनाते हैं, बहुत बेहतरीन कबाब, मज़ा आ जाता है खाने में, मज़ा ही आ गया था खाने में। मैं खाने की वीडियो बनाता नहीं हूँ ऑब्वियसली, बहुत ही कम बनाता हूँ, कोई एक आध शॉट ले लिया क्योंकि अच्छा नहीं लगता खाने की वीडियो बनाना। ये देखिए जनाब की गोद में अंग्रेज बच्चा है, पापा इंडियन है, बच्चा फॉरनर है, देख रहे हो क्या डेवलपमेंट हो रखी है हमारे यहाँ इंडिया में। कुछ भी हो सकता है भाई, असंभव है, संभव है, सॉरी गलती से निकल जाता है, ब्लॉग बनाने की ज़्यादा आदत नहीं है ना, तो कुछ भी निकल जाता है मुंह से, कुछ पता नहीं चलता क्या निकलना है क्या नहीं। ये हमारे जीजा जी देखिए चिकन को कैसे निहार रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनको कि कौन सा चूज़ करूँ, कौन सा खाऊँ, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी हम इनको अपना बिल दे, वो
टोकन नंबर देंगे, वो तब हमारा खाना पीना लगाएंगे, उसकी हम वीडियो नहीं बनाएंगे। ये देखिए ग्रेवी कबाब, बटर उस तरफ गर्म हो रहा है, कबाब इस तरफ गर्म हो रहे हैं, और ये बहुत ही स्पीड से गर्म करते हैं कबाबों को, बहुत स्पीड से, बहुत अच्छे कबाब बनाते हैं, बेहतरीन लेवल के, मजा आ जाता है खाने में। ग्रेवी कबाब बहुत अच्छे कबाब लगते हैं, ट्राई करना कभी चिकन कबाब। ये बटर खोल रहे हैं, बटर गिरेंगे इसमें, इस तरीके से बटर को गर्म करके ग्रेवी बनाते हैं अच्छे अच्छे, तब खाने में मजा आता है। और ये आपका टपाटप शरबत वाला, मोहब्बत शरबत टपाटप जो वायरल हुआ था, टपाटप शरबत वाला, इसके नाम का यहाँ रौला है शरबत वाले का। भाई साहब ये यहाँ का बाहुबली बन चुका है यहाँ का दिल्ली का। और ये हम जामा मस्जिद के व्यू का आनंद लेते हुए थोड़ा सा अपना वीडियो वगैरह बनवाते हुए, क्योंकि रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है, बार बार वीडियो में डिस्टर्बेंस हो रही है, बट कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो व्यू आ ही रहा है, बहुत अच्छा व्यू आता है रात में। ये रमजान मुबारक, रमजान मुबारक लिखा हुआ है यहाँ पे। गाइस रमजान के महीने में जाओ और जामा मस्जिद पे नमाज पढ़ो, रोजे रखो, रोजे खोलो, अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाओ। ये यहाँ के अब नए करता धरता है, यहाँ के नए इमाम है, ये लड़का है जो है नया इमाम है यहाँ का जामा मस्जिद का, वो इनके वालिद साहब है, वो उस तरफ जो उनका फोटो था, उनके वालिद साहब है, ये इनके जानसीन है, जानसीन इनके अब करता धरते यही है जामा मस्जिद के। इस तरीके का नज़ारा है गाइस, देखना मन लगता है पूरा बेहतरीन लेवल का, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनने के लिए कपड़े वगैरह सब, हमने यहाँ से कपड़े भी खरीदे हैं और छोटी मोटी शॉपिंग भी करी है, खजूर भी खरीदे हैं, घर के लिए काफ़ी चीज़ें खरीदी हैं, बट वो सब मैं वीडियो में इंक्लूड नहीं करता, अच्छा नहीं लगता कि हम ये खरीद के ले जा रहे हैं, वो खरीद के ले जा रहे हैं, कुछ नहीं ले जा रहे हैं, अपने लिए ले जा रहे हैं, दिखाने क्या है इसमें। मैं तो सिंपली ब्लॉग बना लेता हूँ, अच्छा लगे तो भी ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। इस तरीके का व्यू है, ये अपना साहिल, साहिल खान यहाँ पे चश्मे देख रहा है, इसको चश्मे पसंद आ रहे हैं, मैं इसे मना कर रहा हूँ कि चश्मे अच्छे नहीं है, मत ले इनको, तो ये चश्मों को नहीं लेगा, मैंने मना कर दिया। इसलिए देखिए नज़ारा जामा मस्जिद का, बहुत बेहतरीन नज़ारा। ये साहिल को चश्मे की ज़्यादा चुल्ल होती है, चश्मे खरीदे हैं और क्या खरीदा, जूते खरीदे हैं, घड़ी खरीदी है। ये मीना बाजार है, ये मीना बाजार है, मीना बाजार जामा मस्जिद का, मीना बाजार गेट नंबर 2। और ये हम आए एक होटल में, अब खाना खाएंगे। अब जामा मस्जिद से आके हम आ गए हैं कहाँ पे, निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन, घर की तरफ जा रहे थे तो नवीन खान को लगी भूख, इन्होंने बोला खाना है चिकन टिक्का, तो लास्ट खा रहे हैं चिकन टिक्का यहाँ पे। अब इसको खा के तब जाएंगे अपने घर, और घर पहुँचेंगे हम समथिंग 2 बजे 2:30 बजे करीब। उसका मैं अब गाड़ी चलाते हुए वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्यों कि अच्छा नहीं लगता कहीं एक्सीडेंट हो जाए भैया, वीडियो के चक्कर में पता चले गया ब्लॉग अधूरा रह गया, एडिट करने वाला भी कोई नहीं है। ये देखिए चिकन पे टूट पड़े हैं, चिकन टिक्का, ये भी बटर में बनता है, बहुत सारा बटर गिरता है इसमें, ये भी बहुत अच्छा बनाते हैं यहाँ पर हजरत निज़ामुद्दीन। ये गली नंबर है, पराठे वाली गली है शायद, उसमें कोने पर पराठे बिकते हैं, हलवा पराठा बिकता है उस वाली गली में, लास्ट वाली कॉर्नर वाली दुकान है, अच्छा खाना बनाते हैं, अभी बेहतरीन खाया था तो बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया था। तो इस तरीके से भैया हमने भी एक बोटी उठा लिया था, वो खाकर देख रहे हैं क्या मज़ा आ रहा हो, मज़ा से आ रहा हो, बाल बाल तो ऐसे हुए बड़े खिंड खिंड से, क्योंकि टोपी लगा रखी नमाज पढ़ने की, किसी ने बताई ना कि बाल भी सही करने, तो हमारे भैया अपने ऐसे ही चलन दिया अपने। भैया मैं आपका अपना शाहरुख हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट, धन्यवाद, मेरे ब्लॉग को शेयर करें, दबा के और लाइक।